नमः संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आप लोगों से संस्कृत व्याकरण में संज्ञा प्रकरण में प्रथम माहेश्वर सूत्र की चर्चा करने जा रहा हूँ। संज्ञा प्रकरण में यह व्याकरण शास्त्र का पहला अध्याय है। संज्ञा प्रकरण में मैं आपसे माहेश्वर सूत्र की चर्चा करने जा रहा हूँ। माहेश्वर सूत्र, ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे थे। तांडव नृत्य की समाप्ति पर भगवान शिव ने डमरू बजाया, 14 बार डमरू बजाया। उन 14 बार डमरू की ध्वनियों को सुन करके महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना किया, जो आपके सामने है। इनमें 14 माहेश्वर सूत्रों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, उनकी मैं चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। और इसको मैं आपको सरल विधि से याद कराने का तरीका बताता हूं कि ये कैसे याद होगा। हमारे बहुत से मित्रों को माहेश्वर सूत्र नहीं याद हो पाता है, तो मैं माहेश्वर सूत्र याद कराने संबंधी विधि बताऊंगा। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उन प्रश्नों की मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र में ऐसा मैंने आपसे बताया कि भगवान शिव महान ईश्वर, जो महान है ईश्वर अर्थात भगवान शिव, ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव जो है डमरू बजाए तांडव नृत्य की समाप्ति पर, तो उन डमरू की ध्वनियों को सुन करके महर्षि पाणिनि ने इसको 14 भागों में विभाजित कर दिया। और ये ध्वनियाँ जो हैं 14 बार बजी हुई डमरू की ध्वनियाँ, ये 14 सूत्रों में हो गया। तो माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 है। यह भगवान शिव की कृपा से मिला, इसलिए इसको शिव प्रसाद भी कहते हैं। शिव प्रसाद, भगवान शिव की कृपा से मिले होने के कारण इसका एक नाम शिव प्रसाद है और दूसरा नाम शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। शिव सूत्र जालम भी कहते हैं इसको, ठीक है। महर्षि पाणिनि ने इसका उपदेश दिया, इसलिए इसका एक अन्य नाम उपदेश भी कहा जाता है। उपदेश, ठीक है, उपदेश भी कहा जाता है। और इसमें अक्षरों का समूह है, अक्षर समूह होने के कारण इसका एक अन्य नाम अक्षर समान्वय इसका एक नाम अक्षर समान्वय है। अर्थात भगवान शिव की कृपा से मिले होने के कारण इसका एक नाम शिव प्रसाद। यह शिव सूत्र समूह है, इसलिए इसका दूसरा नाम शिव सूत्र जाल है। तीसरा, इसमें अक्षरों का समूह है, ठीक है। और उपदेश, यह महर्षि पाणिनि ने समाज के व्यक्तियों को उपदेश दिया, इसको बताया और इस पूरे माहेश्वर सूत्र पर संपूर्ण अष्टाध्याय की रचना कर दिया। तो महर्षि पाणिनि के द्वारा बताए जाने के कारण यह उपदेश हुआ। और चौथा अक्षर समान्वय, इसमें अक्षरों का समूह है, समान्वय माने समूह होने के कारण इसका एक अन्य नाम क्या है? अक्षर समान्वय। तो माहेश्वर सूत्र को क्या क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र, शिव प्रसाद, शिव सूत्र जालम, उपदेश और अक्षर समान्वय, इन नामों से यह जाना जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि इसको हम कैसे याद करें, ठीक है। और उसके बाद, उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण कैसे करते हैं। तो देखिए, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। कई वर्णों के समूहों को एक रूप देना, एक नाम देना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। जैसे हमको अच प्रत्याहार का निर्माण करना है, अच प्रत्याहार, तो अ से लेकर के च तक अच, अच प्रत्याहार बनाने का नियम यह है,
कि जहां से प्रत्याहार बनाना हो, जो भी प्रत्याहार बनाना हो, वह वर्ण और जहां तक बनाना हो उसका अंतिम हलंत वर्ण ले लेते हैं। तो महेश्वर सूत्रों में हलंत वर्णों की संख्या कितनी है? तो महेश्वर सूत्रों में हलंत वर्णों की संख्या 14 है, क्योंकि देखिए पूरे महेश्वर सूत्र के अंत में अयुण, रिलरीक, एओंग, अयौच, हयवरट, लण, यमंगणम, झवई, घडधस, जबगडधस, खफ छठत चटतौ, कपय, ससर, हल। तो अंत में देखिए पूरे हलंत वर्ण लिखे हैं, इसलिए महेश्वर सूत्र में पूरे हलंत वर्णों की संख्या, हलंत वर्णों की संख्या कितनी है? 14 महेश्वर सूत्र हैं, तो 14 हलंत वर्ण, ठीक है। एक बात मैं आपसे महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाने की विधि बता रहा हूं, कैसे बनाना है। कि जो भी प्रत्याहार बनाना हो वह वर्ण और जहां तक बनाना हो उसका अंतिम हलंत वर्ण ले लेते हैं। अब हम जैसे अच प्रत्याहार बना रहे हैं, तो अच प्रत्याहार बनाने, अच प्रत्याहार कह देने से अ और च के बीच में जो वर्ण आते हैं वह अच प्रत्याहार के नाम से जाना जाएगा। जैसे अच, अच माने अ ई ए 3 2 5 2 7 2 9, अच 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 कह देने से 3 2 5 2 7 2 9 स्वरों का ज्ञान हो जाता है। कितने स्वरों का ज्ञान हो जाता है? 9 स्वरों का ज्ञान हो जाता है। अच कह देने से ये पूरे 9 स्वर आ गए, ये क्या है? प्रत्याहार। बीच में जो ये हलंत वर्ण दिखाई दे रहे हैं इनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हलंत वर्ण हैं और इनकी इत संज्ञा और तस्लोपस इनका लोप कर देते हैं। एक बात, जब इन हलंत वर्णों को हम हटा देते हैं और इस हलंत वर्ण को यहाँ रख देते हैं, तो ऐसा क्यों कर देते हैं? भैया अगर यहाँ हम हलंत वर्ण च नहीं रखेंगे तो हमको क्या पता चल रहा है कि अ की कुछ और, ऐसा तो कुछ पता नहीं चल रहा है। जब हम यहाँ चल ही दिए तो यह पता चल गया कि अ से च तक, इलाहाबाद से बनारस तक, अ से च तक के बीच में जो वर्ण आते हैं वो अच नाम से जाने जाते हैं, अच प्रत्याहार के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हाड़ मांस से बनी हुई इस शरीर का नाम क्या? चिंकू रिंकू टिंकी पिंकी मिंकी इत्यादि बोलते हैं, उसी प्रकार से कई वर्णों के समूह को एक नाम दे देना ही प्रत्याहार कहलाता है। कई वर्णों के समूह को एक नाम देना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है, ठीक। अब जैसे इन बीच में जो हलंत वर्ण पड़ रहे हैं इनको हम छोड़ देते हैं तो इनको लोप कर देते हैं। लोप का मतलब यह होता है कि दिखाई नहीं देता है, पुनः जब आवश्यकता पड़ती है तो हम ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमको अक प्रत्याहार बनाना है तो अ से लेकर के क तक और बीच में जो यह दिखाई दे रहा है इसको क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक। इसी प्रकार से आप जैसे अब बनाना है एच प्रत्याहार, एच एच प्रत्याहार बनाना है तो ए से लेकर के च तक और बीच में जो ये अंगा वर्ण पड़ रहा है तो इसको क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक। अब जैसे यण प्रत्याहार बनाना हो तो य से लेकर के ण तक बीच में जो यह ट दिखाई दे रहा है इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यह क्या बन गया? यण प्रत्याहार बन गया, ठीक। अब जैसे खर प्रत्याहार बनाना हो तो ख से लेकर के र तक, ख से लेकर के र तक क्या हो गया? खर प्रत्याहार। बीच में य और व ये दो वर्ण है तो इनका क्या करेंगे? लोप कर देंगे, हटा देंगे। इसी प्रकार से आप ठीक है 42 या 43 प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं, 42 या 43, क्योंकि पाणिनि महोदय ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, पाणिनि महोदय ने 43 प्रत्याहारों को माना है, ठीक है। यदि परीक्षा में ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 43 लिखा है तो आप 43 मारेंगे, ठीक है।
और दोनों में कोई एक अगर है तो वही शेर है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि पाणिनि महोदय के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? 43। ठीक, तो प्रत्याहार बनाना आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे। हम अब तो महेश्वर सूत्र में स्वर, महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर कितने हैं? तो स्वर जो है 9 है। ठीक है ना, स्वर कितने हैं? 9। मुख्य स्वर कितने हैं? मुख्य स्वर 5 माने जाते हैं। ठीक है, आइए स्वर कितने हैं? 9। अच माने स्वर, स्वर कितने हैं? 9। मुख्य स्वर कितने हैं? मुख्य स्वर, तो मुख्य स्वरों की संख्या 3, 2, 5। मुख्य स्वर हैं 5। संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर, स्वरों की संख्या 4। संयुक्त स्वर जो हैं 2, 2, 4। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। संयुक्त क्या है? आप जानते हैं कि अ और ई के मिलाने से ए बनता है, अ और ऊ के मिलाने से ओ बनता है, अ और ए के मिलाने से आय बनता है, अ और ओ के मिलाने से आओ बनता है। ठीक, तो यहाँ पर दो स्वरों का योग है, दो स्वरों का योग है, यह दो जना के योग से मिलकर के बना है, इसलिए ए ओ आई औ इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। ए ओ आई औ को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक, ए में कितनी मात्रा? 1। ओ में कितनी मात्रा? 1। आई में कितनी मात्रा? 2। औ में कितनी मात्रा? 2। ठीक, ए ओ में कौन सी संधि? गुण संधि। ठीक है ना, ए ओ में कौन सी संधि? गुण संधि। आए आओ में कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ठीक है ना, क्योंकि एक चुटैया वृद्धि संधि, दो चुटैया, एक चुटैया गुण संधि और दो चुटैया वृद्धि संधि। कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि ए में कौन सी संधि, आए में कौन सी संधि, ओ में कौन सी संधि, आओ में कौन सी संधि। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह दो मात्रा वाला है वृद्धि संधि, यह एक मात्रा वाला है गुण संधि। ठीक, तो संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। मुख्य स्वर कितने हैं? 5। स्वर कितने हैं? 9। अब देखिए, ह को छोड़कर य और क्या बना? यण। इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। यण, यण को क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और जो ये 5 वर्ण हैं इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। य मंगल नम, य मंगल नम, यमंगलनम। इनको बोलते समय हम नासिका का प्रयोग करते हैं, यमंगलनम। ठीक है ना, और 7 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक, 7 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 25। क से म तक, क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 25 है। अब 13 नंबर में देखिए, ए ह स ल कौन सा प्रत्याहार बनेगा? स ल, इनको क्या कहते हैं? इनको उष्म व्यंजन कहते हैं, उष्म व्यंजन। ठीक है ना, अंतस्थ जिन वर्णों को उच्चारित करते समय कंठ के अंत भाग में स्थित हो
उसे अंतस्थ कहते हैं। जैसे यदि आप बोलेंगे य व र ल, ते कंठ के अंतः भाग में प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे आप बोलेंगे क, तो बाहर की ओर आ रहे हैं, ठीक। और अनुनासिक यह नाक की सहायता से बोला जाता है, और क से लेकर के म तक ये 25 वर्ण जो हैं स्पर्श व्यंजन हैं, ठीक है। स्पर्श का मतलब होता है जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक। और स, ष, ष और ह, तीनों स और ह इनको उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण का अर्थ होता है जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारे मुख से गर्म श्वास प्रवाहित होती है या एक प्रकार की सुरसुराहट होती है, उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं, ठीक। तो एक बात, दूसरी बात देखिए, ह ह ह और ल, इसको जब बना देंगे तो क्या बन गया, हल। देखिए ह ह और ल, ह और ल, तो ये पूरा क्या बन गया, हल। हल प्रत्याहार, तो हल माने व्यंजन, हल माने व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33, ठीक है ना। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। हल माने व्यंजन, अच माने स्वर, स्वरों की संख्या कितनी है, 9। हल माने व्यंजन, अच माने स्वर, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लेता है कि स्वर का न देकर कहता है अच संधि, हल संधि, तो स्वर संधि माने स्वर माने अच, अच माने स्वर, हल माने व्यंजन, व्यंजन माने हल। देखिए, जब चलेगा खेत में हल, जब चलेगा खेत में हल तो होगा व्यंजन, जब चलेगा खेत में हल तो होगा व्यंजन, हम खाएंगे तो निकलेगा स्वर अच, स्वर अच, ठीक है। जब चलेगा खेत में हल तो होगा व्यंजन, तो हम खाएंगे तो निकलेगा स्वर अच, अच माने स्वर, स्वर माने अच, हल माने व्यंजन, व्यंजन माने हल। हल क्या है, प्रत्याहार है, अच क्या है, प्रत्याहार है, ठीक है ना। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, ठीक है। इन महेश्वर सूत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है, 9, मुख्य स्वर कितने हैं, 5, संयुक्त स्वर कितने हैं, 4, संयुक्त स्वर कितने हैं, 4, अंतस वर्ण कितने हैं, 4, य व र और ल, इन चारों वर्णों को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार अर्थात य व र ल, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक य मंगल नम, इन 5 वर्णों को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। 7 नंबर अर्थात यहाँ से लेकर के 12 नंबर तक अर्थात क से लेकर के म तक, इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और तीनों स और ह इनको उष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हल माने व्यंजन, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो इससे प्रश्न है परीक्षा में जो आपसे पूछे जाते हैं। और निश्चित रूप से एक चीज जान लीजिएगा कि महेश्वर सूत्र से एक नंबर आता है तो आता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि महेश्वर सूत्र कैसे याद करें, याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए सभी मित्र देखते हैं। चलिए, एक बार हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे अ इ उण रि लि क, ए ओंग ऐ औ च ह य व र ट, लाड य मंगड नम, झ भई घढ धश, जब गड दश, ख फ छ ठ थ च ट तव, क प य श श शर और हल,
ठीक है। एक चीज थोड़ा सा और बता दें, देखिए तीनों स हैं, तीनों स, तीनों स, स और स, इन तीनों स में परीक्षा में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस स को तालव्य स कहते हैं, तालव्य स, और इस स को मूर्धन्य स कहते हैं, मूर्धन्य स कहते हैं, और इस स को दंत स कहते हैं, ठीक है। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ठीक है। तालव्य, ताल कहाँ है, सबके मुंह में ताल वालू है ना, थोड़ा चेक कर लेंगे कि तालू है कि नहीं है। ताल आगे के ऊपर वाले दांत के ठीक पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, ताल कहलाता है, और ताल के ठीक पीछे वाला भाग क्या है, मूर्धा, ठीक है। जिह्वा मुड़ करके जहां स्पर्श करती है वह भाग मूर्धा कहलाता है। दंत, जिह्वा जिन वर्णों को उच्चारित करते समय दांत को स्पर्श करती है वह दंत भाग कहलाता है। जैसे आप बोलिए त च ट, त च ट, देखिए त बोलते हैं जीवा दांत के पास आ रही है, च बोलते हैं जीवा पीछे ताल के पास आ रही है, ट बोलते हैं जीवा मुड़ जा रही है। तो उसी प्रकार से इसको भी बोलेंगे, ठीक है ना, इसको दांत के पास ले जाएंगे जीवा स, इसको ताल के पास ले जाएंगे जीवा श, इसको बोलते समय हल्का सा जीवा मोड़ लेंगे फ्र फ्र फ्र, ठीक है ना, तो स फ्र स, ठीक है ना। एक चीज और, इसको आप सीटी वाला स भी कहते हैं, और इसका तो बड़ा नाम आप लोगों ने रखा है, चिरफरवा स, पेटफरवा स, ऑपरेशन वाला स, षटकोण वाला स बोल देते हैं। तो पाणिनि महोदय जी जो हैं उब गए, कहने तो बहुत नाम रख दे रहे हैं, इसलिए इनका नाम रखा मूर्धन्य, ठीक है। और इसको दंत स कहते हैं, और इसको आप सरौता स बोलते हैं। तो मैं इसको आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जो हमेशा आप दिमाग में रखे रहिएगा, भूलेगा नहीं। सीटी, इसको सीटी वाला स कहते हैं कि नहीं, जब भी आप सीटी बजाते हैं तो ताल भाग से सीटी बजती है, ठीक है ना। सीटी ताल भाग से, सीटी कहां से बजती है, ताल भाग से बजती है। सीटी जब बजाएंगे ताल भाग से बजेगी, ठीक है। और इसको जब बोलेंगे तो जिह्वा मोड़ करके बोलते हैं ना, फ्र फ्र, अब इतना जिह्वा ना मोड़ लीजिएगा कि निकलबा ही न करे, ठीक है ना। और इसको आप सरौता स बोलते हैं। तो देखिए मैं आपका ट्रिक आपको बता रहा हूं, स सरौता से सुपारी काट के दांते से चबा ली है, ठीक है ना। स सरौता से सुपारी काट के दांते से चबा ली है, दंत स, सीटी वाला ताल स, ठीक है ना, सीटी ताल से बजती है। इस तीनों स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक नंबर और तीन नंबर में परीक्षा में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे याद करना है, याद करने की विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, आइए देखते हैं। तो ये पूरे महेश्वर सूत्र हैं, आयुड रिलिक एंग अयौच हयवर टलण यमंगणम झभई घड दस जब गड दस खफ छठथ चट तव कपय शर हल, ठीक है। अब देखिए, एक मैं कहानी सुना रहा हूं, सुनिए। एक गांव की बारात की बात करता हूं, शहर की बफैलो मतलब बफर सिस्टम की बात की नहीं कर रहा हूं, गांव की बारात की बात कर रहा हूं, जहां बड़ा सम्मान मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है वहां पर, ठीक है। गांव की बारात की बात है, बाराती आप ही सब लोग हैं, और एक बाराती सब पहुंच गए, दूल्हा जो है कुछ देर बाद पहुंचा, दूल्हे राजा जी जो हैं कुछ देर बाद पहुंचे। तो घरात मालिक जो है, बारात मालिक जो है घरात वाले के पास गए, कहा भैया अभी अभी दूल्हे राजा आया है, दूल्हे राजा आए हैं, उनको जलपान करा दीजिए। तो कुछ देर बाद पानी आता है, पानी आने के बाद दूल्हे राजा से कुछ कहा सुनी हो जाता है, कुछ बातचीत हो जाती है, झगड़ी कालर पकड़ी पकड़ा हो जाता है दूल्हे से और पानी पिलाने वाले से, पटकी पटका मारी मारा होगी। इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए, जैसे दूल्हे से और कुछ लोग जो थे पानी पिलाने वाले उनसे मारपीट हुई, तो बारात में बैठा हुआ एक आदमी बड़े जोर से चिल्लाया, कहता है कि हाय रे वर तो लड़ गया,
हाय रे वर तो लड़ गया, हाया वरट लड़। हाय रे वर तो लड़ गया, हाया वरट लड़। ठीक है ना। छठवें पर छफेरा लेके लड़ गया। छफेरा में छह गोली आती है, ठीक है ना। छफेरा में छह गोली, कहा हाय रे वर तो छठवें पर छफेरा लेके लड़ गया। नंबर भी आपको याद करना है, नंबर भी आपको याद करना है, ठीक है ना। छठवें पे छफेरा लेके लड़ गया, तो छह नंबर पर क्या लड़, छठवें नंबर पर लड़ गया। अब देखिए सात नंबर जो है, यह जो सात नंबर है, यह सेवन नंबर जो दिखाई दे रहा है, सात नंबर अंग्रेजी का जो ये सात नंबर है, यह हमारे आपके नाक की लंबाई है। यह नाक से ही बोला जाने वाला वर्ण है, ठीक है, नाक की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण है। तो सात नंबर पर क्या है, हमारी आपकी नाक की लंबाई है, नाप लीजिए। तो सात नंबर नाक की सहायता से बोला जाने वाला क्या, न्यमंगणनम। तब तक मैं बारात में बैठा हुआ एक आदमी बड़े जोर से चिल्लाया, नाक से चिल्लाया, नाक से बोलता था, वो हल्का सा नकनका रहा था, तो कहा न्यमंगणनम, कहा न्यमंगणनम। तब तक कुछ बाराती लोग बोले, कहें क्या हुआ, कहा क्या हुआ, तो बोलते हैं कि झ झ झ माने झगड़ा भं, झ माने झगड़ा भं, झ भय, झ माने झगड़ा भं, झ भय, झ माने झगड़ा भ, झ भय। आप सब बराती, घ माने घबराए घटधस, घ माने घबराए घटधस। आप सब बराती हैं, घबराए बहुत जोर से, तो घ घबराए घटधस, और दौड़ करके घरात वालों को जब पटक के गाड़ दिए दस, ते हो गया जब गड़ दस, जब पटक के गाड़ दिए दस, ते हो गया जब गड़ दस। यहां भी दस और यहां भी दस, दस नंबर पर दस, दस नंबर पर दस, जब गड़ दस, दस नंबर पर दस, जब गड़ दस। और आप सब भागे, कहे भागो भैया, नहीं गांव वाले बहुत मारते हैं। अब वहां से भागे तो कुछ दूरी पर था प्लेटफॉर्म, ठीक है। और जो यह अंग्रेजी का 11 नंबर दिखाई दे रहा है, यह है ट्रेन की पटरी। यह क्या है, ट्रेन की पटरी, ट्रेन की पटरी। इस ट्रेन की पटरी पर चली आपकी ट्रेन, और ट्रेन पर आप बैठ गए। जब ट्रेन पर बैठ गए तो कभी कभी आप ट्रेन की आवाज सुने हैं कि नहीं, ट्रेन की आवाज क्या बोलती है, खपच 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 खपच, खच 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 बोलती है कि नहीं। तो देखिए 11वां नंबर है, पूरा महेश्वर सूत्र जो है ट्रेन की आवाज है, ठीक ना। खप छटत 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 खप खप करती है नहीं, तो खप छटत खप छटत खप छटत चटतो खप छटत चटतो खप छटत चटतो खप छटत खप छटत खप छटत चटतो। यह ट्रेन की आवाज, ट्रेन पर बैठ गए। देखिए मित्र, इसको दो बार बोलना है, कैसे बोलना है, पहले आप बोलेंगे खप छठत चटतो खप छठत चटतो, एक सांस में पूरा नहीं बोलेंगे, एक सांस में अगर आप पूरा बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। दो बार में बोलेंगे, पहले बोलेंगे खप छठत चटतो खप छठत चटतो, ठीक है ना। अब आप ट्रेन पर बैठ गए, ट्रेन चल दिया, ट्रेन पर बैठ गए, ट्रेन चल दिया। कुछ देर बाद कहा ओहो हो जान बची 16 खोपाए। तब तक में आया एक ठो चाय वाला, अब चाय तो चुल्लू में पिएंगे नहीं, कहा चाय ले लो, तो उसने चाय दिया कप में, चाय मिली कप में, चाय मिली कप में, ठीक कपाए, चाय मिली कप में कपाए। और आप थे घबराए हुए, जल्दी से एक घूंट ज्यादा मार दिए, जिहुआ गई जल, जब जिहुआ जल गई तो कहा सस 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 सस, सिसी आने लगते हैं कि नहीं, तीनों स आपके मुंह से निकल गया, सस 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 सर, तीनों स निकल गया, और गले के नीचे जब उतर गई तो आपकी समस्या हो गई हल। यह है महेश्वर सूत्र, ठीक एक बात। अब यहां आइए ऊपर,
ये तो पांच नंबर से हमने आपको बताया, अब एक नंबर से लेकर के चार नंबर तक देखिए। एक आदमी अ ई अ ई अ ई, एक आदमी अ ई सन उड़ा, अ ई उड़, एक आदमी ऐसन उड़ा अ ई उड़ कि धरती पर आके गिर पड़ा। एक आदमी ऐसन उड़ा कि धरती पर आके गिर पड़ा, अ ई उड़। ठीक, दूसरा नंबर, अगर आपके अंदर ऋषिपन होगा, साध री माने ऋषि, ऋषिपन होगा, साधुता होगी, सज्जनता होगी, तो लक जरूर काम करेगा। लक रील रीक, रील रीक, री माने ऋषिपन होगा तो लक जरूर काम करेगा, रील रीक। ठीक, तीसरा नंबर पर तीन जने ए ओ कहें, जैसे मान ले आप चले जा रहे हैं रास्ता में, कहा मम्मी ए ओ तीनों जने मिलके बहुत तंग करें, कहते हैं ना, तो तीन नंबर पर तीन जना ए ओंग, कहा ए ओ तीनों जने मिलके बहुत तंग करे, ए ओ तीनों लोग मिलके बहुत तंग करे। चार नंबर पर चौथा आदमी बोला ए औरई चतुर हैं, चार नंबर पर बोला ए औरई चतुर हैं, ठीक ना, आई औच ए औरई चतुर हैं, आई औच। ठीक है, तो अयुड़ रिलरीक ए ओंग आई औच हायवरत लड़ यमंगणनम झभई घड़धस जब गड़धस खफ छठत चटतौ कपय शशसर हल। एक चीज देखिए, झ झ आप ऐसे लिखते हैं ना, नंबर याद करिए, झ ऐसे लिखते हैं, डंडा हटाइए यहाँ लगाइए, आठ बना कि नहीं, भ ऐसे लिखते हैं, भ ऐसे लिखते हैं कि नहीं, भ तो ऐसे आप लिखते हैं ना, भ ऐसे लिखते हैं, तो इसके दोनों मुंह मिला दीजिए, ते आठ नंबर बना कि नहीं, आठ नंबर पर क्या झभाएं, आठ नंबर पर झभाएं, ठीक है ना, आठ नंबर पर झभाएं, ठीक है ना, आठ नंबर पर क्या है झभाएं। नौ नंबर, अब देखिए घ ऐसे लिखते हैं, डंडा हटाइए यहाँ लगाइए, घ ऐसे लिखते हैं, डंडा हटाइए यहाँ लगाइए, तो नौ नंबर पर क्या घड़ धस, दस नंबर पर दस, ग्यारह नंबर पर ट्रेन की आवाज, बारह नंबर एक दर्जन, कभी एक दर्जन बोलते हैं कि नहीं, एक दर्जन बोलते हैं ना, बारह के एक दर्जन बोल सकते हैं, कभी कभी अगर आप बाजार में जाते हैं तो कहते हैं ना एक दर्जन कब खरीदना है, एक दर्जन कब खरीदना है, नहीं तो कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना मम्मी कपाए कहाँ रखी हैं, कपाए 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 कहाँ रखी हैं। तीन प्रकार के स होते हैं, ठीक है, तालव मूर्धन और दंत, तो तीन प्रकार तीन स हैं, एक डंडा लगा दीजिए तेरह नंबर पर तीनों स, तेरह नंबर पर तीनों स। सात नंबर आपकी नाक है, सात नंबर आपकी नाक है, ठीक है ना, यह मंगणनम। छह नंबर पर छफेरा लेके लड़ी गए, पांच नंबर पर ही पांच लाख का दूल्हा है, हाय वर हाय रे वर तो लड़ गया। सात नंबर ये आपकी नाक है, देखिए अंग्रेजी में कितना बढ़िया सेवन बना है, ए सेवन दूसरे यहाँ लगा दे रहे हैं सांसों से लेने के लिए, तो सात नंबर हमारी आपकी नाक है कि नहीं, न्यमंगणनम न्यमंगणनम बोलते हैं। और आठ नंबर मैंने बताया आपसे, झ माने झगड़ा भ झभें, झ माने झगड़ा भ झ भ झगड़ा भ झभें, घ घबराए घट धस। और दस नंबर पर जब पटक के गाड़ दिए दस, तो हो गए जब गढ़ दस। और ग्यारह नंबर ट्रेन की आवाज, ट्रेन की आवाज तो सुना है, खपच 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 करती है कि नहीं, खप छठत चटतो चाय मिली कप में थी गरम, जीवा जल गई सिसी आए सस 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 सस, आज जब पी लिए समस्या हो गई हल। आपको महेश्वर सूत्र याद हो गया, समस्या हो गई हल, बात समझ रहे हैं। देखिए एक नंबर अयुड़, दो नंबर रिलरिक, तीन नंबर ए ओंग, हमने आपसे कहा ना तीन जने ए ओ तीनों जने मिलकर बहुत तंग करें, ए ओंग। चार नंबर पर ए औरई चतुर हैं,
आई औच। दूसरी नंबर ऋषिपन, यदि होगा री माने ऋषिपन होगा तो लक जरूर काम करेगा, रिल रीक। हमने एक नंबर का भी जुगाड़ बताया कि एक आदमी अ ई अ ई अ ई सन उड़ उड़ अयुड़, एक आदमी ऐसन उड़ा कि धरती पर आई के गिर पड़ा, अयुड़ अयुड़। रिल रीक, एओंग, आई औच, हयवरट, लड़, यमंगणनम, झभई, घड़धस, जब गड़धस, खप छठत चटतौ, कपय शशसर हल। उल्टा बोलिए मेरे साथ, सब उल्टा बोलिए, हल शशसर कपय खप छठत चटतौ, जब गड़धस घड़धस झभई, यमंगणनम, लड़, हयवरट, आई औच, ए ओंग, रिल रीक, अ ई उड़। उल्टा सीधा ईचे पीछे आगे पीछे जैसे भी हो इसको रट डालिए। एक नंबर इसमें से आता है तो आता है, मैंने आपको याद करने की विधि बताया। इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन प्रश्नों की भी चर्चा करें, किया मैंने आपसे, ठीक है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह आपको मेरी बात समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, तो चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा धन्यवाद, नमः संस्कृताय। चलिए चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे हम लोग कोई भी पैकेज को या कोई भी कोर्स को कैसे सब्सक्राइब करेंगे या खरीदेंगे, तो सबसे पहले आपको google.com पे जाना है। google.com पे जैसे ही जाएंगे तो आपको सिंपल चंद्रा इंस्टीट्यूट नोट्स लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से गूगल पे चंद्रा इंस्टीट्यूट ठीक, जैसे चंद्रा इंस्टीट्यूट नोट्स लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारी वेबसाइट आएगा chandrainstitutenotes.com, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारी नोट्स वाली वेबसाइट खुल गई। अब आपको नोट्स लेना तो नोट्स ले लेंगे सिंपल, यहाँ बहुत सारे नोट्स के पैकेज हैं। हमें अभी क्या करना, ऑनलाइन क्लास के बारे में जानना है, तो ऊपर देखिए हर जगह ऑनलाइन क्लास लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो हमारी ऑनलाइन क्लास वाले पोर्टल पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो मैंने ये मान लीजिए कोई एक टैब पर क्लिक कर दिया ऑनलाइन क्लास पे, और ये हमारा ऑनलाइन क्लास का पोर्टल आ गया। अभी हमारा एक हमारी आईडी खुली है, इसको बंद कर देते हैं, ठीक। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको इस तरह कुछ सामने आपके आएगा, ठीक। यहाँ पे नीचे सर भी बता रहे हैं, और नीचे जाएंगे तो कैसे स्टेप है आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी तो मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग को क्या करना है, अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम यूजर हैं, तो सबसे पहले आपको न्यू यूजर क्लिक हियर पे, न्यू यूजर क्लिक हियर लिखा हुआ है सिंपल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये नए, जैसे ही क्लिक करेंगे, चल रहा है, अच्छा अभी लोड हो रहा है, ठीक ये आ गया, नेट थोड़ा स्लो है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो ये फॉर्म हमारे सामने आ गया। तो आपको छोटा सा फॉर्म है, जल्दी इसको भर देना है। सबसे पहले अपना नाम भरना है, कोई भी नाम मैं भर देता हूँ, मैंने अपना नाम में भर दिया। इंटर यूजर आईडी और सेल्फ, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अपना ईमेल आईडी भर लेते हैं, फिर ईमेल आईडी कोई अक्षर भूल गए, फिर वो व्हाट्सएप करेंगे, फोन करेंगे। तो यहाँ पे जो आईडी आप खुद से कुछ बना सकते, अपना नाम 12346 कर दिया, या जो भी आपका रैंडम नंबर, कोई भी नंबर चूज कर लिया, कोई भी अल्फाबेट चूज कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया RK5678, तो कोई भी मैंने अपनी आईडी चूज कर ली। फिर आपसे पूछ रहा मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर जरूर सही भरिएगा, तो मैं कोई मोबाइल नंबर भर देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड कोई भी आप, कोई भी जो भी आपको पसंद हो पासवर्ड बना लेंगे, तो मैंने ये पासवर्ड डाल दिया, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सामने मैसेज आएगा ऊपर ब्राउजर पे,
योर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड विथ अस, यूजर आईडी ये और पासवर्ड ये आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे जो आईडी पासवर्ड बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कुछ प्रश्न पूछा जा रहा हूँ आपको और ठीक है, तो जरा रोहित जी ये बताइए जो आईडी पासवर्ड स्टूडेंट्स बनाएंगे वो क्या नंबर लेटर में होंगे या अंक होंगे? दोनों ठीक है, पांच से सात, पांच से आठ लेटर या अंक, ठीक है दोनों चलेंगे है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नंबर कर लें चाहे लेटर कर लें, ठीक है। अच्छा, कभी कभी यहाँ पे ये आता है कि जो है कुछ सक्सेसफुल नहीं दिखाता है, तो क्यों, क्या क्या दिक्कत होती है? कभी कभी एक बार कॉल आया था सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि वो आईडी पहले से बनी हुई है, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, तो आप कोई मैसेज आया योर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब वो आईडी पहले से किसी ने बना रखी है, तो आप नंबर चेंज कर दीजिए कोई और, या फिर एक नंबर बढ़ा दीजिए, ठीक है, मतलब कि वो आईडी पहले से बनी इसलिए इसलिए सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आया, तो आपको क्या करना है आईडी में थोड़ा सा चेंज कर देना है, जैसे ही चेंज करेंगे तो आपको सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, ठीक है। और जो मैसेज जब आएगा इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत बार लोग भूल जाते हैं मेरा आईडी या बड़ा नाम रख के भूल गए, तो इसको आपको क्या करना है एक पेपर पे लिख लेना है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, बार बार आपको व्हाट्सएप पे कॉल या चंद्रा इंस्टीट्यूट पे ना करना पड़े, तो इसको आपको नोट कर लेना है। तो मैंने नोट कर लिया, हमारी जो आईडी RK5678 पासवर्ड ये है, ठीक। अब क्या करना है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपको क्या करना है लॉग इन फॉर्म पे जाना है, बहुत लोग फिर उसी पे चले जाते हैं, तो लॉग इन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है एंटर योर यूजर आईडी सेम एज रजिस्टर फॉर्म, जो आपने रजिस्टर के समय आईडी भरी थी वही आईडी यहाँ पे भरना है और नीचे पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे आपका ये कहना है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद फिर सीधे लॉग इन फॉर्म पे जाना है, ये बात है, ठीक। चलिए, अब लॉग इन फॉर्म में आपको अपनी आईडी डालनी है, तो आईडी मैं डाल लेता हूँ जो मैंने अभी रजिस्टर की थी, नीचे पासवर्ड जो मैंने अभी रजिस्टर समय डाला था, और सीधे क्या करना है लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, तो मैंने ये लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया, लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब ये हमारे कोर्स अभी थोड़ा सा वेबसाइट में चेंज हो गया है, अब आपको जो कोर्स चूज करने का जो ऑप्शन है वो तुरंत सामने आ जाएगा, ये और ये अभी सर ने करवा दिया है ताकि हमारे स्टूडेंट को परेशानी ना हो, तो सामने ही आपके देखिए यूपीटेट प्राइमरी प्लस जूनियर के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, SSC छोड़िए, अभी मैं इसको अभी हम हाँ जो भी आपको लेना है सुपर टेट यूपी टेट, ये यूपी टेट का आ गया, लोअर PCS जो भी आपको लेना एकदम इजी, अब और सर ने करा दिया अभी कराया है, तो आप आसानी से इसको इजी ले सकते हैं, पीजीटी सोशल साइंस आपको लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है, लेखपाल लेखपाल आपको लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है, पीजीटी हिंदी जो भी यहाँ पे दिए गए हैं आप वर्तमान में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सर मैं यूपी टेट, ये बिल्कुल अभी अभी आपका यूपी टीटी और सुपर टीटी आप समझना, ठीक है। अभी तो मैं जो आपको डेमो दिखाना वाला हूँ वो यूपी टेट को मैं एक सामने लाइव आपके ये आ गया यूपी टेट ₹31902 बाई नाउ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो मैं इस पे क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन दिख दिया। अब यहाँ पे कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगी, किस लिए पूछा, ताकि आप पेमेंट करें तो आपके पास मैसेज या एक मैसेज मेरे पास आए एक मैसेज आपके पास आए, ताकि हम दोनों के पास प्रूफ हो कि हमने पेमेंट किया है, तो इसलिए यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी अपनी डाल देता हूँ कोई भी, तो मैंने ये अपनी ईमेल आईडी डाल दी नीचे यूजर आईडी, ये पहले से फिल अप है, इसको कुछ नहीं करना है। इंटर योर फोन नंबर, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट का जो कंफर्मेशन है वो आपके मोबाइल पे जाएगा। अच्छा, तो फोन नंबर कभी-कभी सेम हो जाता है, तो जैसे एक बार पहले आपने फोन नंबर वही डाला हुआ है और दोबारा फिर वही फोन नंबर डाल सकते हैं, कोई नहीं। दूसरा फोन नंबर जैसे समय आपने जो मोबाइल नंबर डाला था वो आप यहाँ भी पेमेंट समय भी वही नंबर डाल, कोशिश करें कि मोबाइल नंबर चेंज हो जाए। अच्छा, मोबाइल नंबर चेंज करने की कोशिश करिएगा, इससे क्या होगा ना कि अलग अलग जो है आपका, जैसे आपका इसके व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, अगर व्हाट्सएप नंबर रहे तो वो द बेस्ट रहेगा, आप व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर होगा इसके आधार पे आपका आगे चल के व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो यहाँ जो नंबर भरेंगे वो हमें आसानी से इजीली मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप नंबर रहेगा तो यहाँ पे आपको और भी हेल्प मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रजिस्टर में चाहे जो नंबर डाल दी, लेकिन ये पेमेंट समय वाला नंबर डाल रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि ये जो वार्डियर नंबर रहे वो आपका व्हाट्सएप नंबर है, ताकि हम ये नंबर निकाल के आपको ग्रुप में जोड़ सकें। तो मैं मान लो कोई भी नंबर डाल देता हूं,
अमाउंट नीचे पहले 673190, इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना है। और यहाँ पे चेकआउट है, इस चेकआउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन आएंगे, पेटीएम हो गया, भीम हो गया, गूगल पे हो गया, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, और भी अदर वॉलेट्स हैं जो भी आपके पास है। तो अधिकतर आजकल आप क्या देखते होंगे, डेबिट कार्ड का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और ये यूपीआई भीम। तो मैं यूपीआई जो ट्रेंड चल रहा है उसको लेता हूँ, तो मैं अभी पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो आप सामने देख रहे होंगे भीम, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनमें से जो अभी लेटेस्ट जो भी इसका मोबाइल होगा ये चार में से एक चीज जरूर होगा, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। अभी मैं जो चूज करूंगा वो भीम का यूज करूंगा जो कि यूपीआई है। यूपीआई पे जैसे ही मैं क्लिक किया, अब आपका यूपीआई आईडी, जो भी आपकी आईडी हो यूपीआई की, ठीक है, तो मेरी जो यूपीआई आईडी है ये मैं आपको पेमेंट का सामने दिखा दे रहा हूँ, ये मेरी यूपीआई आईडी है, इसको मैंने डाला। अब नीचे क्या करना, मुझे वेरीफाई पे क्लिक करना है, ये मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर लिया। अब जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप ये क्या बोला है, चेक योर फोन, क्योंकि मेरे मोबाइल पे मैसेज आएगा, उस मैसेज के थ्रू मैं अपना पिन डाल के यहाँ पे पेमेंट कर दूंगा। तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया, ठीक है, मेरे मोबाइल मैसेज आएगा, उस मैसेज को मैं वेरीफाई करूंगा। ये नहीं है, ये नहीं, रोहित वो सर लिए थे, सर संस्कृत वाले, सर मैं मोबाइल लिए थे। ठीक है, मेरा मोबाइल मिल गया। अब देखिए इसमें मेरे मैसेज आया होगा, मुझे भीम पे जाना है, अपना पिन डालना है, पिन डाल के वेरीफाई कर देना है। ठीक है, ये शायद आपको पूरा पता होगा ये तो। ठीक है, मैसेज मेरे मोबाइल पे आ गया। और मैंने ये पिन डाल के पेमेंट कर दिया। अब देखिएगा ये पेज हट जाएगा ऑटोमेटिक जैसे ही पेमेंट होगा। देखिए पेमेंट सक्सेस हो गया यहाँ पे मेरे मोबाइल पर। अब यहाँ ये हट गया। अब नीचे क्या लिख रहा है, थैंक यू डियर आर के, मेरी ईमेल, मेरा जो यूजर आईडी था, योर ऑर्डर क्रेडिट, आपका ये ट्रांजेक्शन नंबर ये। ठीक, अब नीचे क्या दिख रहा है, वॉच वीडियो, ये देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा पेमेंट सक्सेस होने के बाद नीचे क्या आ गया, वॉच किसके कोर्स का, यहाँ पे जो वॉच वीडियो आ रहा है, देखिए मैं बस पूछ रहा हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो, जो वॉच वीडियो आ रहा है तो किसके कोर्स का आएगा, यूपीटेट का, जो मैंने पेमेंट किया यूपीटेट का, मतलब जिसका आपने खरीदा, राइट, जिसके सुपर टेट का आप करेंगे, सुपर टेट का वीडियो आएगा, राइट। अच्छा, मान लो एक बार तो वॉच वीडियो हो जाएगा, इसके बाद दोबारा मान लो देखना हो, बंद कर दिया, दोबारा करना हो तो सीधे लॉग इन करना, सीधे लॉग इन फॉर्म पे आईडी पासवर्ड डालेंगे आपके सामने, मैं भी करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, मान लो एक बार तो अभी यहाँ देख लेंगे, इसके बाद कभी भी देखना होगा, कभी भी देखना होगा तो कैसे, बताइए। तो मैं अभी यहाँ पे वॉच वीडियो पिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे वापस आ गए हम, जहाँ शुरू किए थे हम वहीं पे आ गए। आप क्या करेंगे, आपको यहाँ न्यू यूजर पे कुछ नहीं जाना, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, सारा कुछ कर दिया, आप सीधे लॉग इन फॉर्म पे आना है, यहाँ पे अपनी आईडी डालनी है। तो मेरी जो आईडी थी, मेरा जो पासवर्ड था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। लॉग इन सक्सेसफुली, आप देखिए यूपीटर ये सामने आ गया, ये मेरे कोर्स आ गए। अब कोई भी आपको देखना हो, इंग्लिश का देखना हो, लेक्चर डेमो देखना हो, मान लो लेक्चर डेमो पे क्लिक किया, वो देखिए साइड में आपके सर के डेमो वीडियो यहाँ पे आ गए, सीधे प्ले किया, अब यहाँ पे ये प्ले हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका था, रजिस्ट्रेशन, कोर्स सिलेक्शन, बाई करना और लॉग इन करना, बस ये आ गया। ठीक, और यहाँ पे आपके अभी लेक्चर 3 है सर, जैसे पढ़ाते जाएंगे लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 वो बढ़ता जाएगा।